अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको मुफ्त में एक मशवरा देना चाहता हूं, एक फ्री फोकट में आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। अपनी मसरूफ और बिजी जिंदगी से 2-5 मिनट निकाल कर आज आप मेरी बात सुन लें और तवज्जो से सुने। देखिए, बात यह है कि दुनिया में एक चीज मुफ्त है, फ्री है, फोकट है, लेकिन पता नहीं हम फिर भी खर्च नहीं करते, कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं, हालांकि फ्री की चीज है। अच्छा, वो चीज खर्च करने में इतने फायदे हैं, इतने बेनिफिट है कि अगर गिनाने बैठ जाऊं तो वक्त कम पड़ जाए। और वो चीज जो फ्री की है, वो खर्च करने से मियां बीबी में कभी झगड़े नहीं होंगे, बाप बेटे के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, सास बहू मिलकर रहेंगे, दोस्त दोस्त में, पड़ोसी पड़ोसी में, दो जातों में, दो धर्मों में, दो अजनबी लोगों में इतना प्यार बढ़ जाएगा कि लोग आपकी प्यार की और मोहब्बतों की कसमें खाने लगेंगे। क्या है वो फ्री की चीज, क्या है वो मुफ्त की चीज जो हम खर्च नहीं करते, कंजूसी करते हैं? वो है अच्छे अल्फाज, अच्छे शब्द, मीठे अल्फाज, वो भी प्यार भरे लहजे में, दिल से। अब बताइए, अल्फाज खर्च करने में कुछ चार्ज है, कुछ पैसे लगते हैं, या कुछ टैक्स लगता है, या गवर्नमेंट की कोई बंदी है, पाबंदी है उस पर? नहीं। अब लोग पूछेंगे, भाई ये कैसी बात हो गई, आप इसको थोड़ा सा मिसाल दे के समझाइए। तो मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूं। देखिए, आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी शरीक हयात आपसे क्या सुनना चाहती है, आपकी जबान से आपकी बीवी को किन अल्फाज की जरूरत है, वो क्या सुनना चाहती है? यही ना कि खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने, तुम कितनी मेहनत करती हो, हमारे लिए कितनी जद्दोजहद करती हो, तुम्हारी वजह से ही हमारी जिंदगी में कितना सुकून है, ये रंग, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहना करो, थक गई होगी जरा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर बच्चों को संभाल लेता हूं, हम दोनों वॉक पर चलेंगे, कुछ देर इकट्ठे वॉक कर लेते हैं, फिर अपनी बहुत सारी बातें हम रास्ते से कर लेंगे वॉक करते करते। ये अल्फाज या इन जैसे कुछ अल्फाज बीवी ये सुनना चाहती है आपकी जबान से। अच्छा, शोहर क्या सुनना चाहता है बीवी की जबान से, उसके कान क्या सुनना चाहते हैं? शोहर ये सुनना चाहता है कि बीवी ये कहे उससे, आप कितनी मेहनत करते हो, हम शुक्रगुजार हैं आपके, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आपने वो फैसला, वो डिसीजन बहुत अच्छा लिया था और बर वक्त लिया था, टाइम पर लिया था, मैं तो आपके बगैर ऐसे मामलात मैनेज ही नहीं कर सकती, आपके बिना मैं अधूरी हूं, आपने फलाना काम कैसे परफेक्ट किया, आप हमेशा हमें ही शॉपिंग कराते हैं, कभी आप भी शॉपिंग कर लिया करें, हमेशा आप हम पर ही खर्च करते रहते हैं और आपके लिए कुछ नहीं लेते, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। ये या इस जैसे कुछ अल्फाज शौहर बीवी की जबान से सुनना चाहता है। अच्छा, बच्चे हमारे, वो क्या सुनना चाहते हैं आपसे? यही सुनना चाहते हैं ना कि मां बाप उनसे ये कहे या घर के और लोग ये प्यार भरे अल्फाज उनसे कहे कि बच्चों, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आप हमारा गर्व है, आप हमारा फख्र है, आप हमारी तवानाई है, हमारी ताकत है, बेटा आपने फलाना काम अच्छा किया, वेल डन, आप बहुत खास है हमारे लिए, बहुत स्पेशल है आप हमारे लिए, और तुम्हारे अंदर जो ये स्किल है, ये टैलेंट है, ये बिल्कुल अनोखा है, मुनफरिद है, किसी के पास ये टैलेंट नहीं है, बेटा आप जान हो हमारी, आपका माथा और हाथ चूमकर हमको बहुत सुकून मिलता है, बेटा
हम कितने लकी हैं कि आप जैसी औलाद, आप जैसे बच्चे हमको मिले। ये अल्फाज या इस जैसे कुछ अल्फाज, ये औलाद माँ बाप की जबान से, दादा दादी, नाना नानी या घर की फैमिली जिसकी भी जबान से ये अल्फाज सुनना चाहते हैं। वालिदैन यानी माँ बाप औलाद से क्या सुनना चाहते हैं, यानी हमसे क्या सुनना चाहते हैं। यही ना कुछ ऐसे प्यार भरे अल्फाज आप कुछ भी सोच लो जिसमें तारीफ हो, जैसे कि आपने कितनी मेहनत की हमारे लिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप हुक्म करें हमें, हम आपके हुक्म के पाबंद हैं। आप दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स हैं, आप दुनिया के बेहतरीन मां बाप हैं, वालिदैन हैं। अब्बा और अम्मी हमें आप पर फख्र है, गर्व है। आपके कंधे या गोद में सर रखकर हमारी हर परेशानी दूर हो जाती है। अम्मी अब्बा आप खुश तो है ना, हमसे खुश तो है ना, नाराज तो नहीं है ना। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं, आप ही के सदके से हूं, मैं आप ही की वजह से हूं जो कुछ भी है। यही अल्फाज या इस तरह के कुछ अल्फाज, ये सब अल्फाज है जो मां बाप हमसे सुनना चाहते हैं या हम अपने बच्चों की जबान से सुनना चाहते हैं। अगर आप वालिदैन हैं यानी मां बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके बच्चे आपके जबान से क्या अल्फाज सुनना चाहते हैं ये आप तय करें। अगर आप बच्चे हैं तो आपके मां बाप क्या सुनना चाहते हैं वो प्यार भरे अल्फाज आप तय करें। अगर आप शौहर हैं तो बीवी आपसे क्या सुनना चाहती है, और अगर आप बीवी है तो आपके शौहर आपसे क्या सुनना चाहते हैं, और अगर आप दोस्त है तो आपका दोस्त आपसे क्या सुनना चाहता है, अगर आप अमीर है तो गरीब आपसे क्या सुनना चाहता है, अगर आप पड़ोसी है तो पड़ोसी आपसे क्या सुनना चाहता है, अगर कोई दूसरे धर्म दूसरे मजहब का है तो आपसे क्या सुनना चाहता है। ये सब अल्फाज फ्री में है, फोकट में है, सिर्फ आपको बोलना है, जबान से अदा करना है। लेकिन पता नहीं हर कोई अपने हिस्से के जुमले कहते हुए रुक जाता है। जरा जरा से तारीफ के जुमले कहते हुए हम हिचकिचाते हैं। हां झगड़ा बोलो करने का, गाली देने के लिए बोलो, हम हमेशा तैयार हैं, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन जहां तारीफ करने की बात आ जाती है वहां शर्म भी आ जाती है, हिचकिचाहट भी आ जाती है, सोच भी आ जाती है कि करूं या नहीं, करूं या नहीं। लेकिन झगड़ा वो तैयार फौरन आस्तीन चढ़ाती, चलो कूद जाओ मैदान में। लेकिन आप खुलकर तारीफ करना शुरू करें। तारीफें सबको अच्छी लगती है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तारीफ उसको अच्छी लगती ही है, उसको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अपने से जुड़े लोगों में मोहब्बतें बांटिए, इज्जतें बांटिए। अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आपको मोहब्बत चाहिए, तो पहले इन्वेस्ट कीजिए, पहले आप दूसरों को मोहब्बत दीजिए, आप दूसरों को इज्जत दीजिए, फिर आपको भर भर के इज्जतें भी मिलेगी और भर भर के मोहब्बतें भी मिलेगी, और कई गुना कई बार मल्टीप्लाई होकर आपको वो चीज मिलेगी। आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी मोहब्बतें आपको मिलेगी, इतनी इज्जतें आपको मिलेगी। पहले आप देना तो शुरू करो। हम देते ही नहीं, सिर्फ चाहते हैं। हम किसी को मोहब्बत नहीं देंगे लेकिन चाहते मोहब्बत है। हम किसी को इज्जत नहीं देंगे और चाहते कि हमारी इज्जत हो, कभी नहीं होने वाली। मोहब्बत एक तरफा हो सकती है लेकिन इज्जत कभी एक तरफा नहीं होती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये जो फ्री एडवाइस थी और मुफ्त का मशवरा था आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें, कम से कम माशाल्लाह जरूर लिखा करें। हम वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, हमारी भी हौसला अफजाई होती है, और फ्री में कमेंट्स करना होता है, इसको भी कोई खर्च नहीं है। आप जो है आप हमारी हिम्मत अफजाई करने के लिए एटलीस्ट माशाल्लाह तो लिख दिया करें, हर देखने वाला कम से कम माशाल्लाह जरूर लिखे, और उसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर ले
और बेल आइकन का बटन भी आप दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।